जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शिमला की चार लेवली हवेली की, जो डरावनी मानी जाती है। इस हवेली की कहानी हॉन्टेड स्टोरी बुक में भी बताया गया है। किंवदंति के अनुसार विक्टर बेले 1913 में अपनी पत्नी के साथ शिमला आए, जब उन्हें रेलवे बोर्ड का सहायक सचिव नियुक्त किया गया था। विक्टर बेले ने कम किराए के कारण चार लेवली हवेली में रहने का फैसला किया। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि घर के पिछले मालिक एक सेना अधिकारी ने हवेली में कुछ अजीब सी घटनाओं के कारण हवेली छोड़ दी। उस कमरे में अजीब सी घटनाओं के कारण मालिक ने उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन उसे ये देखकर बहुत डर लगा कि अगली सुबह कमरा पूरी तरह बिखरा पड़ा हुआ था। इस घटना के बाद उन्होंने हवेली खाली कर दी। एक बार विक्टर बेले अपने परिवार के साथ बाहर खाना खाने गए। हवेली में उनका नौकर इंतजार कर रहा था। उसे लगा जैसे ऊपर के कमरे में कोई और है। उसे देखने के लिए आगे बढ़ा, वह भयभीत हो गया क्योंकि उसे किसी की आत्मा नजर आई। ये बात नौकर ने विक्टर बेले को बताई और बाद में बेले ने भी उस हवेली को छोड़ दिया। आज के समय में इस हवेली को भारतीय व्यक्ति को बेच दिया गया है। आज भी लोग इसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में एक मानते हैं।